और रात में कुछ ऐसी दिखती है बस अंदर से पूरी लग्जरी। यह है बस का आउटलुक, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, लक्ष्मी ट्रेवल। चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। यह है कैप्टन साहब की केबिन और यह है बस का इनसाइड लुक। यह है इस साइड में डबल चेयर सीट्स। चलते हैं पीछे, इस बस में 2+1 की सीटिंग है फुल एसी के साथ। और यह है इस साइड में डबल सीट्स। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप डबल ले सकते हैं। अगर हाइजीन की बात करें तो सीट बिल्कुल क्लीन है और साथ में कुछ इस तरीके का शटर डोर भी मिल जाता है एंड बैक साइड में वॉशरूम भी बना हुआ है एंड सेम एजेटिक सीट्स नीचे भी बनी हुई हैं। ओवरऑल कुछ ऐसा है बस का इनसाइड लुक। और बस फिलहाल दिल्ली से रवाना हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यह है कुछ ऐसा बाहर का व्यू। ये जो बस है जिसमें मैं जा रहा हूँ ये महालक्ष्मी ट्रेवल्स की तरफ से है और ये फुल एसी बस है। साथ ही इस बस में मुझे दिल्ली से बनारस जाने में कितने का टिकट लगा वो भी आपको बताऊंगा। यह कुछ इस तरीके की सीट अपनी, ये अपना बैग है और ये एक ब्लैंकेट है। ये एक ब्लैंकेट देते हैं और ये ब्लैंकेट वैसे काफ़ी क्लीन है, ये साफ है। एंड ये कुछ इस तरीके से पर्दे लगे हुए हैं और ये एक एसी पॉइंट है पीछे। एक एसी पॉइंट यहाँ फ्रंट में ये आ गया है, दो एसी पॉइंट हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। सीट का स्पेस आप देख सकते हैं, मैं आपको सीट का स्पेस दिखा देता हूँ। स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप सो सकते हैं और साथ में अपना एक बैग भी रख सकते हैं साइड में। हाँ एक चीज़ और, ये बिस्लेरी का एक पानी का बोतल भी देते हैं 500 ml में। अभी बस फिलहाल नोएडा में पहुंची हुई है और यह है नोएडा का कुछ शानदार व्यू नाइट का। और रात में कुछ ऐसी दिखती है बस अंदर से पूरी लग्जरी। सुबह के 6:30 हो रहे हैं, लाल बस रायबरेली के आसपास पहुंची है और बाहर काफ़ी बारिश हो रही है। बाहर सुहाना मौसम हो रहा है, बाहर का बिल्कुल बारिश हो रही है। बाहर हालांकि अभी 3 से 3.5 घंटे का सफ़र बाकी है बनारस तक। के हो रहे हैं लगभग 11:05, बस ने हमें छोड़ दिया फाइनली 13 से 14 घंटे सफ़र करने के बाद बनारस में। और ये है कुछ बनारस का व्यू। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ मुझे इस बस की टिकट कितने की पड़ी। और ये मैंने टिकट ली थी रेड बस की साइट से ऑनलाइन, तो अराउंड मुझे 850 की पड़ गई इंक्लूडिंग विद GST। फिलहाल इस बस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें मैं आपको कराऊंगा काशी विश्वनाथ के दर्शन। बाय।